देखिए व्यवस्था बनाए रखिए और सभी चौधरी भूपेंद्र जी का स्वागत करेंगे। जो मुकुट दिया था उदय साहब ने वो यहीं की मस्जिद के लिए प्लान है 350 प्लस और उसका सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी की जो कांग्रेस और विपक्ष में जो फूट है तो उसके बारे में आपकी क्या रणनीति रहेगी 2020 का? अब 2022 का सपना दिखाने लगे जैसे किसान देखेंगे तुम्हारी डबल आमदनी करेंगे। आज 9 पैसे किलो पे इसका आता है किसान, दूसरा मतलब 18 पैसे कर देंगे। तो ऐसा है, अब बहकावे में आने वाले नहीं लोग। पहले बीजेपी बताए 2019 तक क्या किया सर, जिस तरह जब लहर होती है सरकार की, जिस तरह लहर है अब आपकी पार्टी की, तो उस समय ऐसा लगता है कि जो दूसरे आदमी आते हैं वो टिकट के दावेदार होते हैं, इसके लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी जो अब की बार जो चुनाव होंगे? कांग्रेस का होगा, जीतने वाला उम्मीदवार होगा। सर अभी जो एक जो लोगों में चर्चा है जो आपका जो बीजेपी के साथ जो संबंध है, इसमें कुछ आपका कहना है कि क्या है जो पटाशेप करो क्या है जो लोगों के बीच में जा रही है? जैसे आप प्रधानमंत्री से मिले तो उसका एक गलत मैसेज जा रहा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सुनील ने क्या है, तो शिष्टाचार की मुलाकातें हैं, बाकी जो ये बात कह रहे हो आप ना हंसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। सर सबसे बड़ी बात है क्या अब की बार सोहना में जिस तरह बाहरी क्षेत्र के लोगों को उम्मीदवारों को बनाया जाता है, तो कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? क्या कांग्रेस जितेंद्र भारद्वाज को मिलेगी टिकट उसके बाद? जी।